क्या हम सेंसेक्स में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं? जी हाँ, हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्टली सेंसेक्स में निवेश कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं वेरी बेसिक्स ऑफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ इंडेक्स के नाम के बारे में सुना है बट इसके बेसिक्स के बारे में नहीं पता। वीडियो शुरू करने से पहले आप जरूर मेरा पहला वीडियो देख लीजिए जिसमें बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि आप बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड को जानेंगे तभी आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आएगा। सिंस म्यूचुअल फंड का सीरीज चल रहा है फॉर बिगिनर्स, तो हम कैसे इंडेक्स फंड को छोड़ सकते हैं? वीडियो का कंटेंट होगा व्हाट इज इंडेक्स फंड। दूसरा, सिंस आप बेसिक्स ऑफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेंगे तो हम नेक्स्ट में जानेंगे हाउ टू सिलेक्ट इंडेक्स फंड सो दैट आप इसमें इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि आपको अगर फंड के बारे में समझ में आ गया आपको निवेश भी तो करना है। तीसरा, वेज टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड, आप किस तरह से इसमें निवेश कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको इस वीडियो का बोनस पॉइंट में व्हाई टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड, क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। आइए शुरू करते हैं व्हाट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। अब ये पैसिव होता क्या है? फंड टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं और वो फंड को मैनेज करते हैं। सिंस वो लोग आपके फंड को मैनेज करते हैं, उसके लिए वो लोग आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, अराउंड 1% to 2%। और ये लोग फंड को एक्टिवली मॉनिटर करते रहते, मार्केट को स्टडी करते रहते और उस हिसाब से आपके फंड को बाय और सेल करके आपके फंड को मैनेज करते रहते हैं। पैसिव फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, जिसके वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, यानी कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्टली सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। अब ये इंडेक्स होता क्या है? आपने दो मैट्रिक्स के बारे में तो सुना होगा जो मार्केट को मेजर करते हैं, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होते हैं और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होते हैं। बेसिकली इसमें फंड मैनेजर नहीं होता है, आपका मार्केट या इंडाइसेस ही आपका फंड मैनेजर होता है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करेंगे, जो भी रिटर्न आपका मार्केट होगा वही आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेंसेक्स या निफ्टी को रेप्लीकेट करते हैं, उसके रिटर्न को रेप्लीकेट करता है। आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया, आइए हम जानते हैं इसमें निवेश करने के लिए हाउ टू सिलेक्ट द इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए आपको दो पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है। पहला है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है ट्रैकिंग एरर। अब ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? इंडेक्स फंड का होल आइडिया होता है वो आपके सेंसेक्स और निफ्टी के टर्न को रेप्लीकेट करे, तो जितना ही कम एक्सपेंस रेशियो होगा वो उतना ही शेयर होगा मार्केट के रिटर्न के। लोअर इज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो, द क्लोजर यू विल बी टू द रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। अगर इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो गया तो इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, इससे अच्छा आप एक्टिव फंड को सिलेक्ट कर लीजिए। इसलिए जब भी इस फंड को सिलेक्ट करेंगे आप ध्यान में रखिए कि आप ये पैरामीटर जरूर देखें। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा इस फंड का, उतने ही अच्छे से ये मार्केट के रिटर्न को रेप्लीकेट करेगा, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न के बहुत ही ये क्लोज होंगे। ध्यान में रखिए इसका ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर मतलब ये कितने अच्छे से मार्केट या इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जिसमें ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा तो वो मार्केट को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केट आपको 10% रिटर्न दे रही है और ट्रैकिंग एरर 2% है तो आप 8% ही उसके क्लोज होंगे। तो ध्यान में रखिए एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर, ये दो पैरामीटर्स आपको देखना बहुत जरूरी है जब भी आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा, हम इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं?
जैसे कि म्यूचुअल फंड में दो टाइप होते हैं, SIP और लमसम। मैंने पहले भी आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आप मेरा प्रीवियस दो वीडियो व्हाट इज SIP एंड व्हाट इज लमसम म्यूचुअल फंड देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप दो तरह से निवेश कर सकते हैं, SIP और लमसम के थ्रू, और आप इसमें कम से कम ₹500 से भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप ₹500 से भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। आप अगर लंबे समय के लिए टाइम देना चाह रहे हैं, अगर ₹500 भी आप सेव करते जाएंगे तो लंबे सालों में आप जरूर करोड़पति बन जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के बोनस पॉइंट में मैं आ गई जहाँ मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स के टॉप 50 या 30 कंपनीज में निवेश करते हैं, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में आपने टॉप 50 या 30 गुड कंपनीज को सिलेक्ट किया है, आपने खराब कंपनीज को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भरे पड़े हैं। नो फंड मैनेजर, इसमें फंड मैनेजर नहीं है, मिडिलमैन नहीं है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जितना ही आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही आपका ज्यादा रिटर्न होगा, और आपका रिटर्न मार्केट के बहुत ही क्लोज होगा। जितना हाई आपका मार्केट रिटर्न देगा वैसे ही आपका ये इंडेक्स फंड भी उस तरह से ही आपको रेप्लिकेट करके रिटर्न देंगे। और आपने हमेशा देखा होगा मार्केट को, अगर 10-20 इयर्स का मार्केट को अगर देखेंगे, ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। भले ही जितना भी ऑयल क्राइसिस या वर्ल्ड वॉर 2, जितने भी डिप्रेशन आए हो, मार्केट हमेशा धीरे होने से भी हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें कोई शॉर्टकट गोल नहीं होता है। लेस रिस्क, इस फंड में कम रिस्क है, ये फंड कभी अंडर परफॉर्म नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म में जितना भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का आप रिटर्न्स देखेंगे, इन्होंने कभी अंडर परफॉर्म नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को जब मार्केट डाउन होती है डर लगता है, वो निकाल लेते हैं फंड को। इसमें सिंस फंड अंडर परफॉर्म नहीं करते हैं, आप इसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन गुड इन्वेस्टर्स जब मार्केट डाउन करते हैं तभी निवेश करते हैं, क्योंकि आपको कम प्राइस में ज्यादा यूनिट मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में ये एक तो फंड रहना चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में सब एक्टिव फंड हो गया, अगर एक समय में सब फंड अगर डाउन हो गया, इंडेक्स फंड रहने से एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो सब अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सब हाई रिस्क में क्यों रखें। ऐसे फंड्स में भी रखना चाहिए जो ज्यादा रिस्की नहीं है, और आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसमें आप टॉप 30 या 50 कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप नए हैं और आप कंफ्यूज है, मार्केट में इतने सारे फंड है, इतने सारे मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फंड है, तो किस में निवेश करें, क्या मैं गलत फंड को चूज कर रहा हूँ। अगर आपको डर लगता है कि आप गलत फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जरूर इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें टॉप 30 या 50 कंपनीज ही होल्ड कर सकते हैं। तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज ही भरे पड़े हैं, क्योंकि आप गलत फंड मैनेजर को अगर आप चूज करेंगे तो एक्टिवली फंड मैनेजर भी आपको इंडेक्स फंड से कम ही रिटर्न देंगे। और इसमें ये प्लस पॉइंट है, इंडेक्स फंड में आपको FD से तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। अनटिल और अनलेस आपका एक साल में 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तब तक कुछ भी टैक्स आपसे नहीं कटेगा। तो आप इसमें सोच सकते हैं, इसमें टैक्स नेग्लिजिबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर दीजिए। तो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।